राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की बैठक में सभी CDPO और सुपरवाइजर को निर्देश दिया कि सभी CDPO एवं सुपरवाइजर एक माह में कम से कम 20 गांवों का भ्रमण करते हुए गांवों में कोविड से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुली बैठक आयोजित करके ग्रामवासियों को कुपोषण से बचाव के लिए जागरूक करें। जिलाधिकारी ने कहा कि गांवों में कुपोषण से बचाव के बारे में प्रत्येक ग्रामवासियों को पूरी जानकारी रहे, इसके लिए ग्रामवासियों को कुपोषण से बचाव के घटकों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण भी दिया जाए और हर ब्लॉकों में कार्यशाला आयोजित किया जाए, जिसमें जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि गांवों में अति कुपोषित व कुपोषित बच्चों की पहचान किया जाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लगातार गांवों में विजिट करें। साथ ही अगली बैठक में सभी CDPO और सुपरवाइजर अपने किए कार्यों के बारे में अपनी प्रस्तुतिकरण भी देंगे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बाल विकास पुष्टाहार के अधिकारी मौजूद रहे। क्या सर, खाना की कीमत आपको